दोस्तों ओपीएस पर आया नया अपडेट, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना में 1,000 करोड़ का घपला, वित्त विभाग के अफसरों ने ठिकाने लगा दी एनपीएस की रकम। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो इस पूरे घपले के बारे में तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना में 1,000 करोड़ का घपला सामने आया है। कहा जा रहा है कि वित्त विभाग के अफसरों ने एनपीएस की रकम को ठिकाने लगा दिया है। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब वित्त विभाग के शीर्ष अफसरों की करतूत एक एक करके सामने आ रही है। पिछली गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के हित को देखते हुए जो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू की थी उसमें भी वित्त विभाग के आला अफसरों ने बड़ा झोल कर दिया। ओपीएस की घोषणा करने के बाद भी जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान की कटौती की गई, लेकिन इस रकम को ना तो केंद्र सरकार के एनएसडीएल फंड में जमा करवाया और ना ही राजस्थान में कर्मचारियों के लिए खोले गए जीपीएफ खातों में रखा गया। विभाग के अफसरों ने इस पैसे को सामान्य राजस्व मद में जमा करवा कर खर्च कर दिया। यह खुलासा सीएजी की एक रिपोर्ट के अलावा 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में भी हुआ है। प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से पहले सरकार ने कर्मचारियों और उसके अनुपात में खुद का अंशदान एनएसडीएल में जमा करवाना बंद कर दिया, जबकि कर्मचारियों के वेतन से यह पैसा काटा गया था। यह रकम 641 करोड़ रुपए है। अब यह राशि ना तो एनएसडीएल में जमा हुई ना ही सरकार के पास लौटने के लिए बची है। कर्मचारियों को ओपीएस में दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। ना सिर्फ उनके एनपीएस का पैसा बजट घोषणाओं की पूर्ति में खर्च दिया, बल्कि कर्मचारियों ने एनपीएस विड्रॉल का जो पैसा सरकार को वापस लौटाया उसे भी ठिकाने लगा दिया। यह राशि 382.41 करोड़ रुपए की है। दरअसल पिछली गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू करने के साथ यह शर्त रखी थी कि जिन लोगों को ओपीएस में पेंशन लेनी है उन्हें एनपीएस से विड्रॉ की गई राशि ब्याज के साथ सरकार को लौटानी होगी। इस राशि को जीपीएफ खाते में जमा करवाया जाना था, लेकिन अफसरों ने इसे मुफ्त की योजनाओं पर खर्च कर दिया। अब आने वाली नई सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि कर्मचारियों के 1,000 करोड़ रुपए के फंड को वह कैसे वापस लौटाएगी। इसके साथ ही इस राशि को ठिकाने लगाने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना क्या राजस्थान सरकार कर्मचारियों का कटा हुआ पैसा वापस कर सकती है या नहीं।